इसको डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। अरे, अरे माशाल्लाह बहुत सुंदर लग रहे हैं। इस साइड है ना सारे, इसलिए ओहो सारा मेकअप खा गया। पूरी चल रही है अपनी, जो भी खाएगा जी। भूख तो कब का लग गया। हाय क्रिस, और इसको पुछ 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 पुछ। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मजे में। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भैया लड़की यहाँ पर कुछ काम कर रही है। बच्चे क्या कर रहे हो? मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ आज का। तो पायल को भैया 50 बार समझा चुका हूँ कि ये वाला जो ड्रेस है मत पहना कर, मुझे बहुत बुरा लगता है और ये रोज यही पहनते हैं। ऐसा क्यों कर ये है? मैंने कल सूट पहना था गुड्डू पूरे दिन। ये मैं रात को जब हम लोग वहाँ से आए ना पार्टी से, तो मैंने पहन के थोड़ा सोई थी, इसमें थोड़ा रिलैक्स लगता है। अब नहीं पहना, आज के बाद दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इसको डिस्ट्रॉय कर देती। तो गाइस जिम के लिए हो गया मैं बिल्कुल रेडी, और इस महीने मेरे 2 वीडियो शूट हैं, बहुत ही जबरदस्त गाने हैं, और एक गाने में मैं इस लड़की को भी लेने वाला हूं, और एक गाने में दोनों लड़कियों को लेने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, डन। एक काम करो कि जिम से आने के बाद प्लीज आपको जो कपड़े नहीं पहनने अभी वो मुझे बता दो, ताकि मैं इनको निकाल दूं। निकाल दूं मतलब? मतलब मैं अलमारी में रख दूं अगर आप बाद में पहनो, क्योंकि पूरा भरा पड़ा अलमारी ना, सेट नहीं होती चीजें यार। कोई बात नहीं, काम करता हूं जिम से आने के बाद यही वाला काम पहले करता हूं, और जो भी कपड़े मुझे नहीं पसंद मैं अलमारी से निकाल दूं। तो गाइस अभी जाता हूँ जिम और आके आपसे मिलते हैं। तो गाइस चेस्ट का वर्कआउट हो गया है डन, घर की तरफ निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो भैया मैं पहुँच गया हूँ घर, और लड़की ने मेरे लिए कुछ खाने का मंगवाया जी, पनीर रैप और जूस। वाह भाई वाह, गुलाबी गुलाबी लग रही है। अच्छी लग रही हूँ? ओहो मास्टरफुल, सारी लग रही है। अरे माशाल्लाह, ठीक है। तो पप्पा जी क्या दोपहर का भोग लगा दिया गया है, और बहुत सुंदर लग रहे हैं पप्पा जी, नजर ना लग जाए किसी की। आपने पप्पा जी का चूहा देखा छोटा सा? देखा, देखो सही। चीकू पता क्या बोल के कि मम्मा ये वाले पप्पा जी के पास चूहा है, ये इनका है। अच्छा हाँ, और इनका सुनना खेलने के लिए सही है। तो गोलू और पायल ने पूरा तामझाम इकट्ठा कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हो। क्या ये सेल है क्या आज के? नहीं, ये सब ना हमने, हमारे घर पे जगह कम है ना, तो सब बेड में डाला हुआ था। हाँ। तो बेड से सारा निकाला, अब इसमें से ढूंढना पड़ता ना क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, इसलिए सारे डब्बे निकालने पड़े। ये गर्दन टेढ़ी क्यों कर रखी है? बाल इस साइड है ना सारे, इसलिए। तो मजेदार सा ये पनीर रोल है और साथ में जूस। तो आज से मैंने थोड़ा सा ना कार्ब्स इनटेक करने की सोच ली है, तो थोड़े दिन कार्ब्स इनटेक करेंगे और उसके बाद तैयारी करेंगे बॉडी बिल्डिंग यानी कि मेन फिजिक की। और जो हमारे ट्रेनर हैं उनसे आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, आज या फिर कल सुबह। तो आज ना हमने स्पेशली ना छोटी सी माला बनवाई है अपने सामने छोटे पप्पा जी के लिए, ये रोज लगवा के ना डिफरेंट थोड़ी बनवाई है। और ये वाली माला भी हमने स्पेशली मंगाई है, क्योंकि क्या हुआ ना जो माला लेके आते थे वो भैया लेके आते थे हुडा भैया, तो वो ना बहुत छोटी हो जाती थी, यहाँ तक अटक जाती थी, तो आज मैंने बोल के बनवाई। एक्चुअली क्या है, हमने पप्पा जी को पहली बार घर पे, पप्पा जी पहली बार घर पर आए हैं, तो हमें जितना पता है जितनी नॉलेज है हम कर रहे हैं अपनी तरफ से अच्छे से, तो नेक्स्ट टाइम और ज्यादा चीजें अच्छी करेंगे। एक दो तीन चार पप्पा तेरी जय जयकार, एक दो तीन चार पप्पा तेरी जय जयकार, गणपति पप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गोलू आज आरती हम खुद गाएंगे, ठीक है? ठीक है पायल। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो पूजा कंप्लीट हो गई, अब हम भोग लगा देते हैं। आज हमारे घर में एक गणपति जी और भी आए हैं छोटू से, तो गणपति जी को मोदक बहुत पसंद है, तो आज भोग में बना है स्पेशली सूजी का हलवा, दाल पूड़ी साथ में दही, बहुत टेस्टी दाल बनी। आज एक रोटी ला दो आपको? अभी भूख नहीं है मुझे, अभी वो खाया ना मैंने रैप। चलो ठीक है, मैं और पायल सैलून तक जा रही है। चलेगा। तो आज इन दोनों लड़कियों को मैंने ये बोला है कि भैया संदूर लगाया करो, तुम बहुत अच्छी लगती हो। पहले कभी बोला नहीं मैंने, वैसे दिखाइए संदूर, सही है। तू संदूर क्यों नहीं लगाते तुम? लगाती हूँ, कल भी लगाया था। कल नहीं, वैसे क्यों नहीं लगाते? नहीं एक्चुअली लगाते, बट हेड वॉश करते ना वो हट जाते हैं, तो अगला दिन भी तो होता है। ओहो माऊ बिल्ली आ गई नहीं नहा दो के। जिमी नहा लिया? मेरा बच्चा नहा लिया लड़का आज, मेकअप खा गया। काकड़ू काकड़ू पायल आंटी से मिलो। हेलो बेटा, हेलो बेटा, कल आपका पेट खराब हो गया था, कल आपने हमारी मैट गंदी कर दी थी, भगवान जी की पूजा करने वाली है ना, फिर वो धोनी पड़ी, पता है आपको? क्या खा लिया था इसने? पता नहीं कल क्या खाया था, इसका पेट खराब हो गया था। इसने ना दूध मैंने इसको दिया था कल। क्यों देते ना? मुझे लगा ऐसे ही बड़े दिन से दूध नहीं पिया, दूध दे देती हूँ,
तो मेरे को लगा से दूध सूट नहीं करा, पता नहीं था मुझे। गब्बर को बोल दे। चलो गब्बर जय जय करो, जय 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 गणपति देवता, जय जय नाई नाई धो कर कर आई ना। ओहो गीली अभी भी, गीला 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 अभी। चलो खेल लो आप, हम जा रहे हैं ना। ये मेरे को राहुल ने बताया, अब हमने दरवाजा खोला हुआ था जिस दिन हम पापा जी को लेकर आए थे, पूरा दिन दरवाजा खुला था ना। हाँ। तो राहुल बाहर गया, उसने बताया कि भाभी ये 9th फ्लोर से नीचे आ रहा है, इसको हमारा घर पता था। तो अभी ये दोनों यहीं खेल रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं सैलून, वहाँ पे थोड़ी सी कुछ काम भी है। हाँ। और हमारी वीडियोस हैं जो हमें पहले बनाई थी, तो उसको रिपीट करना है दोबारा। तो गाइस हम घूम रहे चंडीगढ़ की सड़कों पे, नितिन भाई को चाहिए गाड़ी और वो हम देखने जा रहे हैं, कई दिनों से तो हमें मिली नहीं है। पहले हम जाएंगे कार प्लाजा पे, वहाँ गाड़ी देखेंगे, उसके बाद जाएंगे मर्सिडीज के शोरूम में, वहाँ गाड़ी देखेंगे। तो नितिन बताया कौन सी गाड़ी लेनी बेटे, कौन सी गाड़ी का नाम आप पसंद करवा देना, बस आज कर देगा मैं। तो आज फिर भैया हमारे साथ पोपट हो गया, लड़की को कोई भी गाड़ी पसंद नहीं आ रही। तो आप बताना एक्सयूवी में और मर्सिडीज में कौन सी गाड़ी इसको लेनी चाहिए, कमेंट करके बताना। मैं इसको बोल रहा हूँ फॉर्च्यूनर ले ले, पर ये मना कर रहा है, ये कह रहा है मुझे मर्सिडीज लेनी है, और आज से नहीं एक साल से बोल रहे हैं। तो गाइस फाइनली नितिन को मर्सिडीज पसंद आ गई है, बस अभी घर जाके सलाह करेगा अपने भाई से, इसका भाई एक बड़े से बैंक में है, बैंकर है वो, देखते हैं कल आके थोड़ा सा आइडिया चेक करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे और मंगवा लेंगे एक गाड़ी। ठीक है सर, पूरी आज चल रही है भाई, तुम्हारा तो सोना ही नहीं खत्म हो रहा। चीको को सुलाने के लिए लेटे सो गया, हम नहीं सोए, इसको सुलाने के लिए एक्टिंग कर रहे थे सोने की। पायल की फिटनेस का राज देख लो, दिन में 2-3 बार खीर खाती है ये लड़की। एक्चुअली मेरे हाथ की खीर ना बहुत टेस्टी बनती है। और हाँ, कमेंट्स पड़े थे मैंने बहुत सारे, आप सभी को मेरे हाथ की खिचड़ी का रेसिपी चाहिए तो जरूर दूंगी। और सीरियसली उंगलियां ना चाट जाओ ना, वो खिचड़ी की रेसिपी आप घर में बनाओगे तो नाम बदल देना मेरा। किसकी उंगलियां चाट जाओ? अपनी, जो भी खाएगा। अच्छा, हाँ। तो खिचड़ी खाई थी तूने, उंगलियां चाटी? चम्मच से खाई? नहीं, हाँ मैंने चम्मच से खाई थी। अच्छा। चम्मच तो चाटी होगी। हाँ, चम्मच तो चाट के खाते हैं। अच्छा, हाँ। पाल तो उंगलियां भी चाट जाती है अपनी खुद की, कभी कभी खाने खाती। खीर भी बहुत टेस्टी बनाई थी मैंने। खा ले। तो गाइस आप सभी को एक बात बतानी थी कि हम लोग जो हैं अपने बप्पा जी का विसर्जन करने वाले हैं 4 सितंबर को। अगर आप में से किसी को भी हमारे विसर्जन में शामिल होना है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। आपको लोकेशन में बता देती हूँ, आपको आना है हेयर गार्डन पे, और एड्रेस जो है वो आपको बायो में भी मिल जाएगा, और आप गूगल भी कर सकते हैं हेयर गार्डन। आपको मिलना है ठीक 6 बजे, 6 बजे हम सब वहाँ से आगे जाएंगे विसर्जन के लिए। तो गाइस जो टाइमिंग रहेगी शाम के 6 बजे रहेगी, तो याद रखना शाम के 6 बजे हेयर गार्डन 4 सितंबर। कहाँ डांस हो रहा भैया, कहाँ डांसर है, फुल सोता आजकल तो दोपहर को तू है। कल तो छुट्टी है लड़के की, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, हमें भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। तो पायल ने बनाया भैया राजमा चावल जबरदस्त वाले, तो मैंने बोला भैया ला दे थोड़े खा भी लेते हैं। चीकू तूने खा लिए राजमा चावल? हाँ जी। तो अभी ना मेरा एक कवर फट गया था फोन का, तो मैंने फेविकोल चिपका दिया क्योंकि ना मेरा ATM बाहर गिर रहा था। तो भैया मजेदार से राजमा और दही आ गई, भोग लगा दिया जी? भोग तो कब का लग गया। गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कल तो छुट्टी है लड़के की। हाँ जी पापा। हाँ जी। अभी मैं शाम को सोया था ना, तो अभी मैं नीचे वॉक करने चला जाऊँ? चलो जब, वैसे भी डमरू होता जा रहा तुझे। तो गाइस आप में से जिन जिन के पास बेस्ट एक्सपीरियंस है आयरिश एक्सटेंशन का और नेल एक्सटेंशन का, तो बायो में लिंक है हमारे सैलून हेयर गार्डन का, तो आप लोग इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। पर जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो वही लोग आए। तो मैं चीकू गोलू जा रहे नीचे वॉक पे, क्योंकि वॉक भी बहुत जरूरी है, हम लोग बहुत ज्यादा फैट हो रहा है हमारे को, और हम लोग जिम नहीं जा रहे हैं आजकल, तो वॉक करनी जरूरी है। तो कल ना चीकू के स्कूल की छुट्टी है, तो इसलिए हम लोग वॉक पे अभी जा रहे हैं, और चीकू भी वॉक कर लेगा, और दोपहर को तो चीकू सो गया था, तो कोई टेंशन नहीं है चीकू। हाँ जी मम्मा। तो यहाँ पे ना चीकू जिद कर रहा है पायल से रेस लगाने की। बेटा पायल मम्मा रेस नहीं लगा सकती। मैं रेस नहीं लगा सकती क्योंकि मैंने बहुत खाना खाया है, पेट में बहुत खाना है, ऐसे ऊपर नीचे उछली उछली करेगा पेट में खाना। करेगा तो बहुत कोई नहीं, नहीं मैं नहीं, नहीं बेटा रेस नहीं लगा सकते, काम करते हैं। सुनो चलो ठीक है भाई, बाय। तो चीकू ना पायल को एक नई टेक्निक सिखा रहा है, हाथ रोल करने की एक्सरसाइज। इससे क्या होता है पायल? बोन फोल्ड होती है। अच्छा स्कूल में करवाते होंगे ना चीकू को ऐसे ऐसे रोल एंड रोल एंड है ना। तो यहाँ पर ना हमारे दोनों शेर बच्चे आ गए हैं गब्बर और जिम्मी वॉक के लिए। पर राहुल ध्यान रखियो गब्बर का, गब्बर बहुत तेज भागता है। तो यहाँ पे ना हमें गब्बर का फ्रेंड मिल गया जिसका नाम है क्रिस। हाय क्रिस। और गब्बर इतना खुश हो रहा है क्रिस को देख के, क्योंकि गब्बर ने काफी टाइम बाद ना डॉग की जगह कैट देखा है, नहीं तो गब्बर हमेशा जिम्मी को ही देखता है। फुल मजे कर रहा है जिम यहाँ पे। चीकू
हाँ जी गब्बर ने रिएक्ट नहीं किया ना कैट को देख के, नहीं किया, उसको अच्छा लगता है ना, बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, जैसे वो किसी कैट से मिला है, मतलब कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिए इसने कैट को देख के। गब्बर, हाँ गब्बर, मम्मू वाइटी ना घर पे नहीं रहता हमारा इसलिए। हाँ तो हमने जिम्मी को यहाँ छोड़ दिया और जिम्मी भाग रहा है चीकू के पीछे, अब आपको दिखाई नहीं देगा, इसकी इतनी तेज रेस है ना, पर रुक गया है जिम्मी, ना कुछ ना कुछ सूंघता रहता है। तो यहाँ पे ना हम लोग वेट कर रहे हैं जिम्मी का, क्योंकि जिम्मी गया उधर आगे और उसको पुछ कर रही है गोलू इतनी देर से, पर जिम्मी सुनने का नाम नहीं ले रहा। जिम्मी वहाँ घूम रहे, चीकू वहाँ घूम रहे, कब से बुला रही हूँ जिम्मी, जिम्मी सुन ही नहीं रहा। तो गाइस चीकू लगा के आया था ये टोपी चीकू के पापा की, फिर चीकू ने कहा मम्मी आप पे बहुत अच्छी लग रही है तो मेरे को लगा दी है उसने टोपी। तो जिम्मी को देख लो भाई कैसे भागा भागा आ रहा है। तो गाइस तीन चक्कर लगा लिए हमने नीचे के, अब हम जा रहे हैं वापस ऊपर, क्योंकि हमें सोना भी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, कई दिन हो गए ना ना वॉक किए ना जिम करिए, तो आज तीन चक्कर लगाए, कल चार लगाएंगे, फिर पांच लगाएंगे, फिर छह लगाएंगे। ना पहले मैं और पाल 10-10 चक्कर लगाते थे, एक चक्कर सीधा एक चक्कर भाग के, एक चक्कर सत्तर चक्कर सीधा एक चक्कर भाग के। तो चलो अब ऊपर चलते हैं। व्हाइटी बेटा कैट्स के ना बाल जो है ना वो बहुत झड़ते हैं, आपको कैसा लगा वॉक करके आज? अच्छा लगा। क्यों मम्मा क्यों झड़ते हैं? बेटा पता नहीं, उनके बाल बहुत ज्यादा होते हैं ना बॉडी में, इसलिए झड़ते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार बाय बाय अल्लाह हाफिज, ध्यान रखें, सेफ रहें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कुछ नहीं बिगड़ता, कर दो तो।